हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हर वीकेंड हम कहीं ना कहीं जाते हैं, मतलब ग्रॉसरी की शॉपिंग या फिर कुछ भी कह लो, तो आउटिंग हमारी हो जाती है। तो सुबह सुबह ये देखिए हम जा रहे हैं बाहर, क्योंकि वीकेंड्स था तो कुछ लोग घर पे आते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आ गए हैं, तो इनको भी मैं खाना खिला रही हूँ, क्योंकि खाना का टाइम हो गया था तो वो आए थे, तो उनको भी खाना सर्व कर दिया मैंने। बाय द टाइम ना वो अपने बाबा से फ़ोन पे बात कर रही है। बाबा है वहाँ? हाँ बाबा हैं। बाबा चन्ना पना है। ओके चलो अपना खाना चलो, ये वाला ना ठीक है। हाँ पहनो पहनो, येलो वाला नहीं, मान उब गया अब इनका। बहुत सुंदर लग लिया ना वो। बाबा से पूछो कैसी लग रही हूँ, पूछो ना बाबा से कैसी लग रही हूँ, पूछो बाबा कैसी लग ली है मामू। सुंदर, बहुत सुंदर। तो गाइस, घर का काम निपटाने के बाद, नवो को खिलाने पिलाने के बाद, मैं चली गई नवो को लेके पार्क में, क्योंकि पार्क में खेले बिना नवो इन दिनों नहीं रहती और पूरे टाइम उसको झूला झूलना होता है। तो ये बकेट सारे बच्चे लेके जाते हैं, उन्हें सैंड में खेलना होता है। तो ये बकेट लेके अपना पिटारा उठा के नवो जा रही है, अभी सैंड में खेलेगी और ढेर सारी मस्ती करेगी। मेरी बेटी अकेले भी खुश रह लेती है, अगर कोई फ्रेंड्स मिले तो ठीक, नहीं मिले तो वो अकेले भी खेल लेती है, और बिना हनच के तो वो कहीं हिलती नहीं है। ये देखो इसका चश्मा, इसको ये हनच बोलती है, तो बिना चश्मा के तो ये कहीं रहती नहीं है। ये देखो कितने प्यार से स्माइल दे रही। बाय द टाइम मैं वीडियोज़ बना रही थी अच्छे अच्छे नवो के, और फिर हमारा शाम को प्लान बना कि हम लोग चलो थोड़ा सा घूम आए बाहर। हाँ नवू का पापा आ गया। हम लोग कहाँ चल रहे हैं नवू? हाँ। घूमने। हेलो गाइस बोलो। अच्छा चलो पापा के साथ चलो, चलो चलो हेलमेट खरीदना है मम्मू का भी। ओके चलो मम्मू तुम्हारा भी हेलमेट खरीदेंगे। ये है पार्किंग, पार्किंग है हमारी और हम जा रहे हैं शॉपिंग करने अभी, और कुछ कुछ काम का सामान लेना है। चलो पितिया का लो। पापा सुनो ना, पापा अकाओ इसका पीति, अकाओ जल्दी जल्दी अच्छे से अकाना। चलो नहीं धूप लगेगी, हनच भी पहन लेना। बहुत धूप है। सो गाइस हम बैंगलोर में कार लेके अभी तक नहीं आए हैं, इस वजह से हमें तकलीफ होती है, मतलब उतनी तो नहीं लेकिन धूप वूप होता है तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं बच्चा झेल आ रहा है। तो इस वजह से हमने ये भी ले लिया है दुपट्टा, क्योंकि ज़्यादा धूप होगी तो नवू को ढक दूँगी, और नवू को टोपी भी पहना दिया है मैंने। तो चलिए चलते हैं। खाना खा रहे हैं, ला रहे हैं खाना। खाना अंकल देंगे तब ना खाओ। हाँ दे रहे अंकल खाना, भूख लगी है नवू को। ओके पापा नवू को भूख लगी है, जल्दी जल्दी लाओ। मम्मू खा रही है, वेरी नाइस, खाओ। देती है क्या दूँ? यम्मी आम टेस्टी है, टेस्टी है, बोलो ना टेस्टी है। गाइस मैंने बहुत पीडियाट्रिशियन से सुना है कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाए तो उन्हें खुद खाने दीजिए, क्योंकि वो थोड़ा बहुत फेंकते हैं खाना, बट धीरे धीरे वो खाना सीखते हैं, और जब सीख लेते हैं तो अच्छा रहता है कि वह खुद खाने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। बट न वो होटल में जाए चाहे कहीं भी जाए, वो बहुत ज़्यादा खाना फेंकने लगती है घर में भी। तो फिर मैंने उसे खुद खिलाना शुरू किया और धीरे धीरे एक एक निवाला मैं उसे देती गई। तो
सच में एक माँ को कभी सुकून नहीं मिलता, चाहे वो घर पे रहे, चाहे वो बाहर रहे, चाहे वो शॉपिंग करने जाए। फिर हम चले गए, कुछ प्लांट्स हमें ख़रीदने थे, इंडोर प्लांट्स, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है हमारा नया नया घर बना है, तो कुछ इंडोर प्लांट्स रखने का मेरा मन था। तो ये देखिए बहुत सुंदर, यहाँ बहुत ढेर सारे प्लांट्स मिल जाते हैं, जैसा ढूंढिए वैसा, इंडोर आउटडोर सारे तरीके के। और मुझे घर में बहुत अच्छा लगता है ग्रीनरी और प्लांट्स रखना। तो यहाँ देखिए नवू कितना एंजॉय कर रही है और बहुत प्यारा लग रहा था, तो कुछ कुछ वीडियोस मैंने यहाँ नवू के प्यारे प्यारे निकाले। गाइस जब से नवू हुई है तब से हम घूमने फिरने क्या जाएंगे, जहाँ जाते हैं वहाँ बच्चा टांगे रहते हैं। चाहे कहीं भी जाओ, दुनिया के किसी कोने में भी जाओ, बस बच्चे पे ध्यान रखो और बच्चा टांगे रहो। बस एक वॉशरूम ही है जहाँ मैं नवू को नहीं लेके जाती हूँ, उसके अलावा सारी जगह नवू हमारे साथ ही चलती है और हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता एक दूसरे के लिए, खुद के लिए। तो बाहर हमने लंच किया, प्लांट्स खरीदे और घर आ गए। इन बैंगलोर अब बन चुका है यूपी बिहार, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कितना पसीना मुझे आ रहा है। गर्मी बहुत हो रही है और इतनी गर्मी में मुझे मन किया, मतलब मेरे हस्बैंड को मन किया कुछ अच्छा खाने का, तो मैंने बनाया है टोफू। और हमारे यहाँ कुछ भी हो जाए, मतलब अगर पनीर चिली भी खा लो तो उसके साथ रोटी खाना ज़रूरी है, क्योंकि आप फास्ट फूड खा के नहीं रह सकते। हमारे यहाँ यही सीन है कि मतलब अगर अपने हस्बैंड को पनीर चिली खिला दो या फिर मंचूरियन खिला दो तो वो नहीं मानेगा, वो कहेगा साथ में रोटी या चावल ज़रूर दो। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ बना लिया है टोफू, यहाँ टोफू मेरा तैयार है और आटा लगा लिया मैंने। तो थोड़ी देर बाद मैं अभी रोटी बना दूंगी और रात के बज गए हैं 9, नवू को भी भूख लग रही है। करीब 1-1.5 घंटे पहले मैंने उसे दूध पिलाया था, लेकिन मेरा हस्बैंड भी फ्री नहीं है और बीच बीच में नवू चाकू उठा के प्याज काटने लगी है। ये कौन लेके आया है? ये चाहिए थपाड़ नहीं चाहिए तो फिर प्याज दो और चाकू नहीं लेना आज के बाद, ओके? चाकू से नहीं काटना है, मम्मा लोटी देगी तुमको, लोटी खाना, ओके? बोलो ओके मम्मा, बदमाशी नहीं करूंगी। सो गाइज मैंने डिनर करा दिया नवू को और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स। गाइज आपको मेरा ब्लॉग्स कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप कमेंट में नहीं बताइएगा, लाइक नहीं भी कीजिएगा तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं अपनी बेटी के लिए करती हूँ। आप देखें ना देखें, कल को गए मेरी बेटी देखेगी और हमारे प्यारे प्यारे मोमेंट्स देख के इंजॉय करेगी, इसे कितनी खुशी मिलेगी कि मम्मा सारे अच्छे अच्छे मोमेंट्स इसके साथ कैप्चर कर रही है। और कल को गए नवू जब बड़ी होगी तो कितनी खुश होगी कि मम्मा पापा इसे कितना करते हैं। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच।